आज मैं बनाने जा रही हूँ गुड़ का अरसा। झारखंड में क्रिसमस के अवसर पर इस मिठाई को बनाया जाता है, तो चलिए गुड़ का अरसा बनाते हैं। गुड़ का अरसा बनाने के लिए यहाँ मैंने 500 ग्राम गुड़ लिया है, जिसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे पिघलने देंगे। ये देखिए गुड़ अच्छी तरह से पिघल चुका है। अब इसे हम लोगों को छान लेना है, जिससे गुड़ में जो डस्ट है वो इससे अलग हो जाए। यहाँ मैंने गुड़ को छान लिया है। ये देखिए इसमें से डस्ट निकल चुके हैं। अब हमें पाक रेडी करना है, तो सबसे पहले एक बड़ा बर्तन लेंगे और इसमें पाक को डाल देंगे। पाक को डालकर गैस का फ्लेम मीडियम में रखेंगे और इसे चलाते हुए पकाएंगे। इसे हमें चलाते हुए पकाना है जब तक इसका पानी कम ना हो जाए। ये देखिए बॉइलिंग स्टार्ट हो चुका है। हमें इसी तरह से चलाते हुए इसे बनाना है। अब हम लोग चेक करेंगे कि पाक रेडी हुआ है या नहीं। इसके लिए एक बर्तन में पानी लेंगे और इसमें कुछ बूंद पाक को डालेंगे। ये देखिए पाक फैल रहा है, इसका मतलब पाक अभी रेडी नहीं हुआ है, तो इसे कुछ देर और पकाएंगे। अब मैं फिर से चेक कर रही हूँ। इस टाइम गुड़ पानी में बैठ जाता है, इसका मतलब पाक बनके रेडी है। तो अब इसमें चावल डालेंगे। यहाँ मैंने चावल का आटा लिया है, ये मैंने मार्केट से खरीदा है। चावल का नमी सूखने से पहले हमें अरसा बना लेना है। अब मैं पाक में धीरे धीरे करते हुए चावल को डालूंगी और इसे चलाते हुए बनाना है। आधा केजी गुड़ में लगभग 1 केजी चावल का आटा लग जाता है। इसे इसी तरह से थोड़ा थोड़ा डालते हुए इसे चलाते हुए हमें पाक रेडी कर लेना है। इस टाइम गैस का फ्लेम मीडियम टू लो पर रखिएगा। कुछ देर बाद देखिएगा कि चावल का पाक इस तरह से बनके रेडी है। अब मैं इसमें 1/2 कप रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल डालकर इसे अच्छी तरह से मिला लेना है और ठंडा होने से पहले हमें अरसा बना लेना है। ऑयल को अच्छी तरह से मिला लीजिएगा। अब मैं 1 चम्मच सौंफ डाली हूँ। सौंफ को भी डालकर इसे अच्छी तरह से मिला लेना है और ठंडा होने से पहले हमें अरसा बना लेना है। अब मैं रिफाइंड ऑयल गर्म कर रही हूँ। ऑयल गर्म हो चुका है, तो अब एक एक करते हुए अरसा को डाल दूंगी और इसे फ्राई करूंगी। इस तरह से अरसा को शेप दे देना है। ऑयल जब गर्म हो जाए तो इसमें एक एक करते हुए अरसा को डालकर इसे फ्राई कर लीजिएगा। इसे बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं कीजिएगा, ये गुड़ है तो इसका कलर जल्दी ही चेंज हो जाता है। ये देखिए ये पक चुका है, तो अब मैं इसे निकाल दूंगी। इसी तरह से मैं सारे अरसा को फ्राई कर लूंगी। ये देखिए मैंने सारे अरसा को इसी तरह से बना लिया है। थैंक यू।